हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। हमारे वो आइसोमर्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैव different relative arrangement of atoms or groups in a space। तो यहां पे क्या होगा कि जो isomers होंगे उनका यहां पे structural formula जो है वो same रहेगा, पर जो उसके अंदर atoms present है या ग्रुप्स प्रेजेंट है उनकी जो रिलेटिव अरेंजमेंट है वो स्पेस में वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वर्ड है, स्टीरियो आइसोमर्स, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जहां पे स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस और मेरोस का मतलब होता है पार्ट। तो यहाँ पे ये हमारा स्टीरियो आइसोमर का मतलब हो गया कि स्पेस में जो एटम्स हैं उनका आपस में जो रिलेटिव अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो यहाँ एग्जांपल हो गया इसका, जैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जैसे सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री, एच एच सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री एच H। तो यहाँ पे क्या है कि जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा सिस ब्यूट टू ई। तो जब मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे होते हैं और डिफरेंट कार्बन पे बट सेम साइड पे हो तो उसे हम सिस पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कार्बन पे जो हमारे मिथाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पे वो ऑपोजिट अरेंजमेंट है उनका, डिफरेंट साइड्स पे प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन एंड दिस विल बी दी ट्रांसब्यूट टू ई। अब बिकॉज ऑफ दी पाई बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट हियर, तो जो रोटेशन है यहाँ पे क्या होगा हमारा वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा एंड जो ज्योमेट्री है हमारी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब ये सिस है तो ये सिस रहेगा, ये नहीं कि ये रोटेट होके ट्रांस में चेंज हो जाए, क्योंकि पाई बॉन्ड की वजह से हमारी जो पोजीशंस है वो फिक्स रहेंगी। तो ये जो हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है दिस वन इज दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है हमारी ये क्या हो गई, दिस विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बाकी अब जो यहाँ पे हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसका जो बाकी का पार्ट है दैट वी विल बी स्टडिंग इन द कमिंग चैप्टर नंबर 13, वहां उसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ ये आपके लिए यहाँ पे इसकी इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट थी। बाकी का जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसको हम फर्दर कमिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।